तो सबसे पहले हम सपोर्ट देखेंगे कॉलम के चारों साइड से। ये कॉलम के सभी साइड को लगाया जाता है, टाई रॉड वगैरह इस कहते हैं, जो कि लीकेज नहीं होता उससे कंक्रीट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉलम 90 डिग्री में कैसे खड़ा है। जैसे कि एक प्लम्ब ऑफ के यूज से हम ऊपर का डायमेंशन चेक करते हैं, फिर वही डायमेंशन नीचे है बराबर वही मिलता है कि वो चेक करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे सपोर्ट के हिसाब से, उसको ठीक करेंगे आप। अब ये साइड बराबर है, सेम उस साइड उसी साइड में एक कॉर्नर पे दूसरा लाइन प्लम्बो पे उधर चेक करेंगे। जैसे कि इधर जो टेप पे दिख रहा है वही नीचे दिखना चाहिए और वो प्लम्ब ऑफ हिलना नहीं चाहिए। ये साइड हो गया। अब ये नेक्स्ट साइड, राइट साइड वाला नेक्स्ट साइड, दो साइड चेक करने के बाद हम भर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 16.5 दिखता है, नीचे कितना है, 16.5। अभी थोड़ा हिल रहा है तो स्टेबल करके उसको चेक करना पड़ता है। दोनों साइड चेक करने का मतलब ऑपोजिट साइड भी सेम रहता है। फिर उसके बाद कॉलम के स्टील को कवर दिया है कि देखने जरूरी रहता है। ये सपोर्ट से सब, जिससे कंक्रीट लीकेज नहीं होता। और ये एक साइट पे बनाया जाता है उसके लिए लंबो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।